हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज हम जाने वाले हैं देवास टेकरी, जहाँ पर हम बड़ी माता और छोटी माता के दर्शन करने वाले हैं, जो कि पूरे भारत देश में, पूरे हिंदुस्तान में फेमस हैं छोटी माता और बड़ी माता के नाम से। टेकरी धाम, जो कि इंदौर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को लेकर चलते हैं बड़ी माता और छोटी माता के दर्शन कराने के लिए। हाँ तो गाइस, हम पहुँच गए हैं देवास। कुछ इस तरीके से हमें एंट्रेंस पड़ेगा, जो कि बड़ी माता और छोटी माता के जहाँ पर दर्शन होंगे। तो गाइस, अब हम लेंगे सबसे पहले प्रसाद। तो हम लेते हैं यहाँ पर प्रसाद। जय माता की। भाई जय माता की। भैया आपको बता ना, नहीं तो इनके जोड़े से हुए दो माता जी हैं यहाँ, चामुंडा टोलचा, इनके तो जोड़े से हुए। हाँ, जोड़े से हुए। दोस्तों यहाँ पर हमको भैया मिले हैं, देख सकते हो। बिल्कुल, हमने केक की स्टार्टिंग पे ही यहाँ पर भैया से प्रसाद ले लिए है, और भैया ने हमको बहुत अच्छा गाइड किया कि गाड़ी कहीं पर भी नहीं रोकना है, सीधे स्टैंड पे जाकर गाड़ी लगाना है, और ऊपर ही जूते चप्पलों का स्टैंड मिलेगा, वहाँ पर हमें जूते चप्पल उतारना है और माता जी के दर्शन बढ़िया तरीके से करना है, जो कि छोटी माता और बड़ी माता है। तो हमने यहाँ पर दो दो प्रसाद लिए हुए हैं, छोटी माता और बड़ी माता का। प्रसाद नहीं चलता यहाँ पर, दो ही माता जी को एक साथ चलता है जी। क्या बोल रहे भैया? यहाँ पर दो ही माता जी को एक साथ प्रसाद चलता है, बड़ी और छोटी को अगर एक चलाओगे तो माना नहीं जाता। अच्छा, ठीक है। हाँ तो गाइस, हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और निकल पड़े हैं माता जी की दर्शन करने के लिए। लगभग मेन रोड से, गेट से एंट्रेंस करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर का हमें इस प्रकार से रास्ता मिलेगा, जो कि यहाँ पर रहवासी क्षेत्र पड़ेगा। रहवासी क्षेत्र आधे किलोमीटर मेन रोड के बाद हमें कुछ इस प्रकार की यहाँ पर प्रसादों की दुकान मिलेंगी। तो आप चाहें तो अपने पसंदीदा अनुसार किसी भी शॉप से प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर आपको कार पार्किंग दिखेगी, जहाँ पर आप यहाँ पर कार पार्क कर सकते हैं। कुछ ही देर और आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर बाइक पार्किंग दिखेगी और मंदिर का एंट्रेंस एरिया दिखेगा, जहाँ से हमें पैदल ही रास्ता तय करना होगा। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले अपनी बाइक पार्क करेंगे। बाइक पार्क करने के बाद हम यहाँ पर जो चढ़ाव बने हुए हैं, इन घाटियों पर पैदल चढ़कर जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत ही ऊंची घाटियों पर चढ़ाव बने हुए हैं, जहाँ पर हम लगभग 1 किलोमीटर इसी प्रकार से पैदल चलकर जाएंगे। यहाँ पे रोपवे का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो रोपवे कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट आपको विद इन 2 या 3 मिनट्स में आपको मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचा देगी। तो हम यहां पर लगभग पैदल 1 किलोमीटर पैदल ही जाएंगे, हम रोपवे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैदल चलकर घाटियों में चढ़ने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी ऊंची ऊंची यहां पर घाटियां बनी हुई है, इन घाटियों में हम यहां पर पैदल जा रहे हैं। भंडारा पता भी तो चले हो कहाँ पर रहा है, जहाँ पिछली बार हम लोगों ने भंडारा किया था वहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और दोस्तों ये देखो, कितनी ऊंची ऊंची यहाँ पर पहाड़ी टाइप में हम रास्ते बने हुए हैं, उनमें चलकर जा रहे हैं। बोलो, क्या बोल रही तुम? देखो भाई, अगर ऐसा है कि अगर मैं खाती भी होती ना मुर्गा मटन मच्छी जो भी बोल रहे हो, तो मैं एग्जैक्टली आज के दिन तो नहीं खाती। आपको देखो, माता तो आप बन नहीं सकते अगर माता को चढ़ता नहीं। ये देखो यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, ये बोल रही है कि नहीं खाना है और ये बोल रहा है कि खाना है। इसको नीचे प्रसाद वाले ने क्या बोल दिया कि माता जी को माता जी को मतलब कि बलि भी चढ़ती है ना। और ये आदमी देखो कितना खुश हो गया। हमने लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर में पहुंच गए हैं। बड़े से पहाड़ के ऊपर यह मंदिर बना हुआ है, जो कि बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा यहां पर नज़ारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना बढ़िया यहां पर एरिया दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया यहां पर मंदिर बना हुआ है। अब हम यहां पर माता जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, और उससे पहले हम पंडित जी हमें मिले हुए हैं। इन पंडित जी से हम राधे वीडियो श्री सीताराम बोलोगे स्वर्ग में पहुंचे, राम सीताराम इनका साथ छूट जाए।
यहाँ पर आशीर्वाद भी दिया। और हम जो रोपवे की बात कर रहे थे वह इस प्रकार से रोपवे का एरिया रहेगा, और हम यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। तो अब यहाँ पर हम पानी पियेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया सुविधा है। यहाँ पर तांबे के बर्तन में हम पानी पी रहे हैं, और कुछ इस प्रकार से रोपवे का नज़ारा रहेगा। तो आप चाहें तो रोपवे से भी यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आपको पैदल चलने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, 1 किलोमीटर का जो पैदल एरिया बना हुआ है वहाँ पर आपको चढ़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो आप रोपवे से डायरेक्ट ऊपर आ सकते हैं, जो कि यहाँ पर रोपवे बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर माता जी के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद, बड़ी माता के दर्शन करने हम जा रहे थे, तो हमें यहाँ पर एक भाई दिखे जिनको यहाँ पर माता जी आ गई थी। तो ये देखो दोस्तों, लगता है इनको माता जी आ गई हैं, और ये किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, जिसे यहाँ से जाते हुए हर व्यक्ति देखते हुए जा रहा है कि क्या वाकई में इन व्यक्ति को माता जी आई हुई है। तो ये देखो दोस्तों, इस व्यक्ति को सचमुच में माता जी आई हुई है, और इस व्यक्ति को कोई यहाँ पर माता जी के पास लेकर जाने वाला नहीं है। तो अब हम इसे माता जी के पास लेकर जाएंगे, और इसको यहाँ पर हम माता जी के चरणों ले जाओ, मंदिर ले जाओ, मंदिर ले जाओ, टच कराएंगे, ले जाओ मंदिर ले जाओ, आदमी शांत हो जाए। तो यहाँ से हम इस व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं। लगभग 400-500 मीटर का सर्कल पड़ेगा। 400-500 मीटर हम पैदल चलकर आए हैं छोटी माता के दर्शन करने के बाद। अब हम यहाँ पर बड़ी माता के दर्शन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर बड़ी माता के दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से हमें बड़ी माता के दर्शन होंगे, जो कि जीवित अवस्था में ही यहाँ पर हमें ऐसा फील होगा कि माता जी, साक्षात माता जी हमें यहाँ पर देख रही हैं, और हम साक्षात जीवित अवस्था में माता जी के हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है। गाइस, हमने यहाँ पर चामुंडा माता जी के भी दर्शन कर लिए हैं, और दर्शन करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आसपास का हम आपको व्यूज़ दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम ब्लेसिंग लेंगे बाबा जी की, यहाँ पर हम आशीर्वाद लेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लोग बाबा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो चलिए गाइस, आपको लेकर अब चलते हैं भैरवनाथ जी की गुफा पर, जहाँ पर हम बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने किस प्रकार टेकरी में आए, और किस प्रकार हम बड़ी माता और छोटी माता के दर्शन किए। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन करने के लिए भैरवनाथ जी की गुफा में जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर गुफा में आ चुके हैं, और बाबा भैरवनाथ जी के भी हमने यहाँ पर दर्शन किए और हमने आशीर्वाद लिया। अब हम यहाँ पर टेकरी से जो बनी हुई है, लगभग आप मान के चलिए कई हज़ार फीट ऊपर पहाड़ों पर यह देव स्थान बना हुआ है। यहाँ का आसपास का अब हम आपको व्यू दिखाएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राकृतिक तरीके से, बहुत ही नेचुरल तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक लग।
दोस्तों हमने माता जी के दर्शन कर लिए हैं, अब लगी है बहुत जोरों की भूख और यहाँ पर चल रहा है भंडारा। हमने ले लिए हैं भंडारे के टोकन और चलिए अब ले लेते हैं यहाँ से हम थालियाँ। अब इन थाली को हम लेकर बैठेंगे टेबल पर और वहाँ पर आएगा माता जी का प्रसाद और माता जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे, इस भंडारे का मजा लेंगे। देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़िया और गर्मा गर्म यहाँ पर आलू की सब्जी बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों भंडारे का लेते हैं मज़ा और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये के हमने टोकन लिए हुए हैं। इस 10 रुपये के टोकन में अनलिमिटेड भरपूर आपको खाना मिलेगा और इसी के साथ टेबल और यहाँ पर अब हमको परोसा जा रहा है माता जी का प्रसाद। तो ये देखिए कितनी ढेर सारी हमें यहाँ पर पुड़िया दी गई हैं और इसी के साथ साथ अब भैया हमें गर्मा गर्म सब्जी देंगे और हम माता जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। माता जी का प्रसाद हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, हमने थाली पर बिल्कुल भी जूठन नहीं छोड़ा है, पूरा बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हमने यहाँ पर फिनिश किया है और हमने थाली पर उतना ही प्रसाद लिया था जितना हमें ज़रूरत थी। तो हमने प्रसाद ग्रहण करने के बाद भंडारा इंजॉय करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आसपास हम घूमेंगे और इसी के साथ साथ अब हम घूमने के बाद निकलेंगे अपनी घर की तरफ। तो दोस्तों आप सभी को आज का ब्लॉग, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और कौन कौन माता जी के दर्शन करना चाहता है वह कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस आप सभी से एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे सभी प्यारे दोस्तों।